चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों से वेयर हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम की 140 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिस पर फ्लिपकार्ट पातली हाजीपुर मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक में लिया गया है। मेसर्स इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को यह भूमि 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की कीमत पर आवंटित की गई है। यह परियोजना क्षेत्र में आगे के निवेश को गति प्रदान करने के साथ साथ राज्य व उत्तर भारत के विक्रेताओं तथा MSME को बाजार तक पहुंच का अवसर भी प्रदान करेगी। इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अपनी मार्केट ग्रोथ को सक्षम करने के लिए पूरे भारत में आपूर्ति केंद्रों और संबंधित लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बना रहा है। उत्तर भारत की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी 140 एकड़ क्षेत्र में फैले आपूर्ति केंद्र का निर्माण करेगी। सुनिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने और क्या कुछ कहा। अनेक कंपनी हरियाणा में आई है, ATL ने अपना 160 एकड़ से ऊपर का प्रोडक्शन प्लांट जो बैटरीज का होगा वो सोना में शुरू किया है। फ्लिपकार्ट ने अभी HSIDC की ऑक्शन के अंदर 3,22,00,000 की लागत से आज 2 सबसे बड़े वेयर हाउस इंडिया के वो यहाँ लगाने का काम करेंगे, जो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर बताया गया है कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ईस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान 6 स्टेटों को फीड करने का काम करेंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि इंडस्ट्री उत्साहित है हरियाणा के अंदर आने के लिए, और मैं ये मानता हूँ कि जिस स्पीड के साथ इंडस्ट्री का आगमन हो रहा है, आने वाले भविष्य के अंदर बड़ी मजबूती के साथ नई इंडस्ट्रीज जो पहले और ऑल्टरनेटिव स्टेट्स देख रही थी वो हरियाणा की तरफ आएंगी। और फ्लिपकार्ट ने तो कमिट किया है कि वो अपने दोनों वेयर हाउस में Phase 1, Phase 2 के अंदर 6 और 6, 12,000 की परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम करेगी, और उसके साथ साथ जो डिलीवरी बॉयज हैं और हैं उसके अंदर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्टेट में क्रिएट हो। तो मैं तो मान एक विन विन सिचुएशन है, आज उनको भी एक एरिया एडवांटेज मिली है और उसके साथ साथ एशिया का सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा वेयरहाउस हरियाणा की धरती पर बनेगा, तो हमारी स्टेट के लिए भी गौरव की बात है। प्रत्यक्ष तो डिलीवरी के अंदर ऐसी कंपनीज में काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि दिवाली, नया साल, होली त्योहारों पर लोग ज़्यादा इस तरह की डिमांड रखते हैं, पर वही दूसरी ओर पर जो परमानेंट वेयरहाउस के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, पैकेजिंग है, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन है और है, उसके अंदर फ्लिपकार्ट ने कमिट किया है, क्योंकि उनको बेनिफिट्स भी हमारी नई HEEP जो है, हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, उसके अंदर मिलेगी, और उनने कमिट किया है कि वो 12,000 की Phase 1 और Phase 2 मिलाकर नई एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में। तो अलॉटमेंट हुई है उनको, हमने 45 दिन का समय दिया है कि 45 दिन के अंदर वो अगर एक मुश्त खाता पेमेंट करते हैं तो उनका टारगेटेड है कि बाय एंड ऑफ 2022 उनका फर्स्ट फेज ऑफ वेयर हाउस जो है वो कंप्लीट होकर फंक्शनिंग हो जाए। आज उसकी दूसरे दौर की बैठक हुई थी, नोटिफिकेशन 1 मई का हम जारी कर देंगे, रूल्स लगभग फ्रेम हो चुके हैं। मैं ये मानता हूँ 10 दिन के अंदर, क्योंकि कई इंडस्ट्री की सजेशंस आई थी जो कि वैलिड थी। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आज के दिन बड़ा टेक्निकल स्पेसिफिक स्टाफ मिलता है, तो हमने रूल्स के अंदर तमाम चीज़ों को देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले पहले रूल्स भी फ्रेम होकर उसकी नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं। हरियाणा ने फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन के अंदर भी इंडस्ट्री का पूरी तौर पर ध्यान रखा था, हमारी बैकबोन इंडस्ट्री है, और अगर आने वाले भविष्य में कोई इस तरह की गाइडलाइन सेंटर द्वारा आएगी तो भी उसके ऊपर विचार किया जाएगा। सेंटर की गाइडलाइंस को प्रमुखता से हम देखेंगे। अभी तक स्टेट के पास ऐसी कोई डिमांड नहीं आई फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट कह लीजिए या फिर फ्रॉम इंडस्ट्रीज कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़े। अगर नंबर्स बढ़ते और केंद्र कोई निर्णय लेती है, अभी तो कल शाम को प्रधानमंत्री की तमाम स्टेटों के साथ चर्चा है, उसके बाद ही कोई निर्णय
स्टेट लेगी, मतलब मैं अश्योर कर सकता हूँ कि हम इंडस्ट्री को फंक्शनिंग में रखेंगे, जो भी हमें रियायतें देनी पड़ेगी देने का हम काम करेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री चलती रहेगी तो मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मेंटेन रहती है, प्राइस हाइक नहीं होते और साथ के साथ लोगों का एम्प्लॉयमेंट बचा रहता है। कोविड की चीज़ कहूँगा कि जो परहेज थे हम पहले बरतते थे, उसके अंदर जिस तरह से लोगों ने अपने आप को दूर करने का काम किया, आप परहेजों को दोबारा रखने का काम करिए। वैक्सीनेशन अगर आप 45 प्लस है तो पूरी तौर पर कराइए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तब आपके साथ वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। और मैं तो स्वयं देख रहा हूँ कि जो सेकेंड फेज है उसके अंदर जिस प्रकार से मोर्टैलिटी बढ़ी है, आज पंजाब के आंकड़े देखने में अपने आप शॉकिंग है कि वहाँ इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर हम सबको मिलकर चिंता करें। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।